मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने भी मणिपुर की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मणिपुर और राजस्थान जैसी घटनाओं को अत्यंत शर्मनाक करार दिया है। साथ ही दावा किया है कि संसद भी इस मुद्दे को संबोधित करने में नाकामयाब रही। इसके अलावा मणिपुर पर बात करते हुए शांता कुमार ने सरकार से इस मामले में निर्णायक कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है और कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को राज्य में हिंसा और अराजकता को समाप्त करने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री को हटाकर या राष्ट्रपति शासन लगाकर हो। 80 दिन बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं और आगजनी और हत्या की खबरें अब भी आ रही हैं, ये रुकना चाहिए। वहीं मामले में महाभारत का जिक्र करते हुए शांता कुमार ने कहा, एक द्रौपदी चीर हरण के कारण धर्म युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ हर दिन द्रौपदी चीर हरण हो रहा है और हर कोई मूक दर्शक बना है। संसद भी इसी मुद्दे को संबोधित करने में विफल रही है और प्रक्रियात्मक मामलों चर्चा करने में व्यस्त है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत का लोकतंत्र इतने निचले स्तर पर गिरेगा। बता दें कि मणिपुर हिंसा की आग में पिछले 3 महीने से जल रहा है, जहां विपक्ष मणिपुर मामले में लगातार पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है, तो सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि इन सबके बीच शांता कुमार का ये बयान काफी सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।